चिल्ड्रन एक और मैंने क्वेश्चन लिखा है 3.2 एक्सरसाइज का, ये लोग अपन चैप्टर ही है ठीक है। 3.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 20 मैंने लिखा है, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द लॉगरिथम्स ऑफ ठीक है 1728 टू बेस 2√3 ठीक है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द लॉगरिथम्स ऑफ, आप इनके लॉगरिथम फाइंड करोगे, लॉग किसका फाइंड कर रहे हैं 1728 का और बेस क्या होगा 2√3। अब हम जो है ना क्वेश्चन को किस तरह फॉर्मेट करेंगे आप देखिएगा, हम लिखेंगे यहां पर लॉग, बेस क्या है 2√3, किसका फाइंड करना है 1728 का ठीक है। ये पूरी वैल्यू हम इक्वल करेंगे x के या किसी एक वेरिएबल के, चाहे आप y के इक्वल करो चाहे आप z के इक्वल करो ठीक है ना, कोई वेरिएबल इसको देंगे तभी तो हमें वैल्यू इसकी मिलेगी ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहां पर लेट लॉग 2√3 1728 इज इक्वल्स टू x ठीक है। अब हम इसको चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए 1728 हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू 2√3 लिखने के बाद और ये x पावर आ जाएगा ठीक है। अब हमारे पास, हमें पता है ये जो हमारे पास इस ब्रैकेट के अंदर 2√3 लिखा हुआ है, ये जो x पावर है ये 2 का भी है और ये x पावर जो है √3 का भी है, और 1728 जो लिखा हुआ है ये बड़ा नंबर है, इस नंबर को हम क्या करेंगे इसके हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। आइए हम फैक्टर पहले फाइंड करके देखते हैं इसके फैक्टर्स क्या निकलते हैं, देखिएगा यहां पर 1728 ठीक है, पहले हम 2 8 16, 2 6 2 4 2 4 2 3 2 2 2 2 1 2 6 2, यहां पर 1 इस पर टेबल नहीं लग रही तो इसको हम 0 रखेंगे, इसका हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे, उसके बाद ये 16 हो गया 2 8 16 2, उसके बाद 2 5 10, यहां पर 2 4 8, अब लिखेंगे 2 2 2 4, 5 में से 4 निकालेंगे तो ये 1 देंगे इसको 2 7 14, अब हम 3 की टेबल अप्लाई करेंगे यहां पर 3 3 9, 3 27, 3 3 9 और 3 1 3 ठीक है। और हमारे पास यहां पर 2 कितने हैं 6 टाइम्स और 3 कितने हैं 3 क्यूब ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यूज सब की सब यहां पर रिप्लेस होंगी, यानी 1728 की जगह हम लिखेंगे 2 raised 6 मल्टीप्लाई 3 क्यूब इज इक्वल्स टू, और यहां पर जिस तरह मैंने बताया था कि ये x जो है 2 का भी पावर है और ये x जो है √3 का भी पावर है ठीक है, ये इस तरह हम देंगे, बात समझ में आ गई। उसके बाद जो है हमारे पास उसके बाद ठीक है चिल्ड्रेन, अब हमारे पास यहां पर 2 raised to 6 हमने लिखा मल्टीप्लाई 3 क्यूब हमने लिखा इज इक्वल्स टू 2 raised to x मल्टीप्लाई, अब 3 के ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट होल पावर x है, तब हम इसको इस तरह करके लिख सकते हैं x/2 ठीक है। अब हम क्या करेंगे इन जो है वैल्यूज को हम इक्वल करेंगे, इक्वल में आप क्या करोगे 2 के ऊपर आपके पास 6 है, यहां पर भी 2 raised to x कॉमा यहां पर 3 के ऊपर क्यूब है और इस 3 के ऊपर आपके पास जो ना x/2 रखा हुआ है ठीक है। अब हमारे पास बेसिस जो ना इक्वेशन में सेम है तो पावर्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, यहां पर x की वैल्यू 6 हो गई, उसके बाद हमारे पास यहां पर जो ना क्यूब ये जो है पावर हमने रखा इज इक्वल टू x/2 हमने रखा, ये जो 2 है डिवाइड कर रहा है, यहां आके इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 2 बराबर एक्स के, x = 6, ये बात समझ में आ गई यहां तक ठीक है बच्चों। अब ये यानी दोनों के आंसर यही है।